ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट दी पॉपुलेशन इज कॉल्ड तो कोई ऐसा पार्ट जो कि हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जो है जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं है, फिर ऑप्शन डी ऑल तो उसको कहते हैं करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सैपल यानी कि पॉपुलेशन होता है यूनिवर्स यूनिवर्स में से हम कुछ पार्ट को चूज करते हैं कुछ लोगों को चूज करते, करते, है, करते हैं सिलेक्ट करते हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं डेट इज कॉल्ड सैंपल जिनसे हमने डेटा कलेक्ट किया पॉपुलेशन में से नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन ए सैंपल इज कॉल्ड तो नंबर ऑफ इंडिजुअल सेलेक्टेड इन सैंपल किसी sample सैंपल में जो जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं सैंपलिंग क्वांटिटी सैंपल साइज या फिर सैंपल हाइट तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसको क्या कहेंगे सैंपल साइज सैंपल में कितने लोग हैं उसको क्या कहते हैं सैंपल साइज इन विच ऑल द एलिमेंट्री यूनिट्स कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम आर स्टडीज तो आपको बताना है कि कौन से नीचे दी गए ऑप्शन में से सभी यूनिट्स को हम जो है स्टडी करते हैं सर्वे करते हैं हर को जितना भी जो भी स्टडी होगा उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे सबको हम रिसर्च करेंगे सबको हम सर्वे करेंगे क्वेश्चनर में सेंसस में इंटरव्यू में ऑप्शन डी ऑल में करेक्ट ऑप्शन है सेंसस सेंसस को कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन कंप्लीट एनुमरेशन यहाँ के सेंसस हम अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें जितने भी लोग हैं सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे कोई सैंपल नहीं लिया जाता बल्कि सबसे डेटा कलेक्ट किया जाता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन इज इंटरव्यूड सैंपल में क्या होता है कि पॉपुलेशन से हमने कुछ लोगों को चुना उससे हमने डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चन और, और इंटरव्यू के थ्रू वहीं जितने भी लोग पॉपुलेशन तो कंप्लीट एनिमरेशन कहलाता है ऑप्शन डी ऑल तो बट अब बात है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज करें दैट इज सैंपल अब उन, उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और सिमिलर भी होना चाहिए भी होनी चाहिए ऑप्शन डी का हो जाएगा ऑल नेक्स्ट ऑल एडुकेसी देखिए इसके अलावा भी कुछ है जैसे एडुकेसी है सिमिलर रेगुलेशन कंडीशन है ये भी क्राइटेरिया होता है सैंपल का इसेंशियल एलिमेंट का ये भी आप याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंस सिमिलरिटी एंड होमोजेंटी एडुकेसी कि नॉट टू स्मॉल नॉट टू लार्ज सिमिलर रेगुलर कंडीशन ये भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट है विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन आपको बताना है कि कौन से लॉ है जो कि सैंपल से रिलेटेड है लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर या फिर ऑप्शन सी बोथ या फिर नन तो देखिए सैपल इन्वेस्टिगेशन में लॉ ऑफ रेल और लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर ये दोनों ही क्या है रिलेट है तो ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा नेक्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑफ स्टेट्स स्टेट्स के के क्या होता है तो के मतलब कि सैंपल एट रैंडम शुड रिप्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि जो भी आपने सैंपल चूज किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए वहीं पे लॉ ऑफ इनर्जी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि लार्ज द साइज ऑफ सैंपल लाइकली द रिजल्ट भी मोर एक्यूरेट यानी कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही एरर कम होगा एक्यूरेट होगा जो भी रिजल्ट आएगा ये लॉ ऑफ इनर्जी ऑफ लार्ज नंबर कहता है नेक्स्ट है और लॉ ऑफ ऑफ लार्ज नंबर को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी या फिर मास डेटा भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा याद रखिएगा कि स्टेट्स का रेगुलटी में क्या होता है कि हम सैम्पल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ लॉज नंबर कहता है कि आपका साइज सैंपल साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि रिजल्ट जो है जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपका आएगा और लॉ ऑफ इनर्जी ऑफ लार्ज नंबर को प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं बोथ लॉ ऑफ सैपल इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन तो जो अभी आपने देखा लॉ ऑफ स्टेट्स का रेगुलेटरी और लॉ ऑफ इनर्जी ऑफ लार्ज नंबर ये दोनों लॉ किस पे डिपेंड करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे थ्योरी ऑफ पे या फिर ऑप्शन डी ऑल तो करेक्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों ही लॉ जो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है विच वन इज नॉट दी टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक आपको बताना है कि नीचे दिखे ऑप्शन में से कौन सा नॉन रैंडम सैपलिंग टेक्निक है सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है सैंपलिंग टेक्निक यानी कि पॉपुलेशन में से आप सैंपल कैसे चूज कर रहे हो तो उसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं तो उसमें से एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है तो नीचे देगी ऑप्शन में से कौन सा नहीं है कोटा सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर स्नोफॉल तो यहाँ पर जो नॉन रैंडम सैप्पलिंग टेक्निक नहीं है वो है स्टमेटिक सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग और स्नोफॉल ये तीनों ही नॉन रैंडम सैंपलिंग होते हैं लेकिन सिस्टमैटिक सैप्लिंग क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पलिंग मेथड तो दो टाइप के मेथड होते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है वहीं पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या है कन्वीनियंस कोटा जजमेंट स्नोबॉल ये सब क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक फिर नेक्स्ट है लॉटरी सिस्टम इज दी मेथड ऑफ तो लॉटरी सिस्टम किस चीज़ का मेथड है सिंपल रैंडम सैम्लिंग का स्टर्टाइड रैंडम सैप्लिंग का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का फिर मल्टी स्टेज रैंडम सैप्लिंग का तो करेक्ट ऑप्शन है लॉटरी सिस्टम का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लॉटरी मेथड अपनाते हैं जैसे कि आपसे कहीं से भी लॉटरी का होता है तो वहाँ पर सबके नाम की पर्ची कट जाती है फिर उसमें से रैंडमली जो है किसी का निकाल देते तो उसको लॉटरी सिस्टम कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप आर क्लासिफाइड इन टू होमोजीनियस ग्रुप एंड देन रैंडमली सैम्पल इज चूजन रिफर्स टू तो कौन से सैंपलिंग टाइप में टेक्निक में पहले हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होता है उसमें से हम जो है होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं फिर उसमें से रैंडमली सैंपल चूज करते हैं तो किस में होता है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टेटिफाइड रैंडम सैंपल है किसमें स्टेटा बनाते हैं वो स्टेटा होमोजेनस होता है फिर सब में से हम रैंडमली सैंपल चूज करते हैं वन डेटा कलेक्टेड इज पास थ्रू वन स्टेटिसकल मेथड ऑर्गनाइजेशन क्लासिफिकेशन टेबुलेशन कंप्यूटेशन स्ट्रक्ट्रा आर कॉल्ड जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको हम जब किसी स्टेट्सिकल मैथड के द्वारा पास कराते हैं ऑर्गनाइजेशन करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं टेबुलेशन करते हैं कंप्यूटेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है रॉ डेटा प्रोसेस डेटा अनऑर्गनाइज डेटा है फिर पर्सनल डेटा तो ऐसे डेटा को जिसमें हमने उसको जो है क्लासीफाई किया टेबुलेशन किया कंप्यूटेशन किया है स्टेटिस्टिक मैथड भी लगाया है तो उसको हम कहते हैं वी प्रोसेस्ड डेटा वहीं पर अगर इस पर सब नहीं किया होता सीधे कलेक्ट किए कलेक्ट कर ला के हम यूज़ करें तो उसको कहते हैं रॉ डेटा कहते हैं रॉ डेटा क्या होता है ऑरिजिनल डेटा या फिर अनऑर्गनाइज डेटा यानी कि हमने अभी सिर्फ कलेक्ट किया उसको ऑर्गनाइज नहीं किया उस पर कोई मेथड कोई कैलकुलेशन नहीं किया है जब कोई मेथड अप्लाई कर लेते हैं कोई स्टेटिसकल टूल अप्लाई कर लेते हैं उसको ऑर्गनाइज कर लेते हैं कंप्यूट करते हैं क्लासीफाई करते हैं तो वो प्रोसेस्ड हो जाता है नेक्स्ट द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज तो ऐसा पर्सन जो

डेटा जैसे कि आप जनगणना होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब डेटा आपसे लिया जाता है तो जो डेटा लेने जो जनगणना करने आता है वो आपसे पूछता है और वो खुद ही भरता है आपको नहीं देता फॉर्म भरने को वो खुद ही आपसे सारी चीज़ पूछ पूछ के फिल करता है तो उसको कहते हैं एनुमेरेटर तो शेड्यूल जो है फिल करते हैं वो एनुमेरेटर फिल करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चनर शुड है फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ट्वेंटी फोर्टी थर्टी या फिर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे तो बट अब ऐसी बात है कि क्वेश्चनर आपके नीड के अकॉर्डिंग होगा आपके जैसा भी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रख सकते हैं तो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे नेक्स्ट है द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर आर कार्ड तो दो टाइप के डेटा होते हैं एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है तो वो डेटा जो कि पहली बार इन्वेस्टिगेशन फ्रेश डेटा कलेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेटर द्वारा फर्स्ट टाइम पहली बार इससे पहले वो कलेक्टेड नहीं था उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा वहीं पर सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है तो देखिए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन आप जानना जाना जरूरी है आपके लिए कि कौन कौन से डेटा कलेक्शन मेथड है तो एक तो सेकेंडरी सोर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन अर्लियर रिसर्च हो पहले हुए हो सेंसस है रिकॉर्ड है क्लाइंट हिस्ट्रीज है सर्विस रिकॉर्ड है तो यहाँ से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वहीं पर प्राइमरी सोर्सेज हैं जैसे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू क्वेश्चनर आप ऑब्जर्व करके किसी को देख रहे हैं चाहे वो पार्टिसिपेंट करके ऑब्जर्व कर रहे हो चाहे फिर कहीं दूर खड़े होकर कि किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर मैनर में जैसे भी इंटरव्यू ले रहे हो वहीं पर क्वेश्चन है तो मेल्ड क्वेश्चन आप मेल करके कर रहे हो फिर कलेक्टिव क्वेश्चन आप जाके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन ही प्राइमरी सोर्स है वहीं पर सेकेंडरी सोर्स के लिए अलग अलग जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जो पॉपुलेशन में कितने लोग हैं उनकी पूरी जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं जिसमें से हम सैंपल चूज करते हैं तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम पैरामीटर्स स्टेटिस्टिक्स या फिर रैंडम सैंपलिंग तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन इज सैंपलिंग फ्रेम सैंपलिंग फ्रेम यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम उसी में से हम फाइनली फिर सैंपल चूज़ करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ यूज फॉर डेटा कलेक्शन थ्रू तो स्नो बॉल सैंपलिंग जो है वो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है तो कैसे कनेक्शन रिलेशन कनेक्टिंग रिलेशन के थ्रू स्मॉल पॉपुलेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फिर ऑप्शन डी नन तो देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है कि जैसे आप, आप बॉल बनाते हो स्नो का यानी कि बर्फ का जब आप बॉल बनाते हो उसके बाद तोड़ देते हो तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं तो स्नोबॉल सैंपलिंग भी कुछ इसी तरीके से क्या होता है कि एक से हमने दो के बारे में पूछा दो से हमने चार से चार से छः इस तरीके से हम जो है एक ही रिस्पॉन्डेंट से अलग अलग रिस्पॉन्डेंट्स के बारे में हम जानते हैं तो कनेक्टिंग रिलेशन होता था ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन स्नोबॉल सैंपलिंग में जो है डेटा कलेक्शन का कनेक्टिंग रिलेशन जो है मेथड यूज होता है तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैन बी डन बाय तो अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रॉक्स जो आप कहते हो अंदाजा लगाते हो हाँ, तकरीबन तो कैसे कैसे किया जा सकता है अप्रोक्सीमेशन एडिंग फिगर यानी फिगर में ऐड कर दीजिए कुछ डिस्कार्डिंग फिगर कुछ घटा दीजिए टू द नियरेस्ट फिगर जो भी आसपास का एरिया है वहां तक रख लीजिए फिर ऑप्शन डी ऑल तो अप्रोसीमेशन हम ये तीनों मेथड से कर सकते हैं एडिंग फिगर डिस्कार्डिंग फिगर टू द नियरेस्ट फिगर ये तीनों मेथड से कर सकते हैं अब सपोज करें कि वन एटी सेवन पॉइंट एट है तो इसको एड करना है इसमें एडिंग फिगर के जरिए करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो विल बी वन एटी एट पॉइंट टू हमने ऐड कर दिया तो वन एटी एट

किस वजह से आ सकता है एरर ऑफ ऑरिजिन की वजह से एरर ऑफ इडिकुएसी की वजह से या फिर एरर ऑफ मैनिपुलेशन की वजह से फिर ऑल इन तीनों की वजह से तो जो सैम्पलिंग एरर होता है यानी कि सैंपल चूज़ कर रहे हैं सैंपल से डेटा कलेक्ट कर उसमें जो एरर होता है तो इन तीनों से ही एरर आ जाता है ऑरिजिन की वजह से भी इनएडिकुएसी की वजह से भी मैनुप्लेशन की वजह से भी वहीं एक और एरर होता तो है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन की जब हम उसमें कैलकुलेशन कर करते हैं कुछ हम उसमें टेबुलेशन या कंप्यूट कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम जो है हो सकता है एनालिसिस हमने गलत तरीके से किया तो वहाँ से भी एरर आ सकता है एरर ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंट और बाई चांस

रिलेटिव एरर क्या कहलाता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एप्सोलूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर रिलेटिव एरर क्या होता है एप्सलूट एरर डिवाइडेड बाई

साइंटिफिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन तो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक दोनों है। तो में क्या होता है कि हर तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के साथ स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाती है और लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉलो किया जाता है नेक्स्ट एन इसेंशियल क्राइटेरियन फॉर साइंटिफिक स्टडी इज तो किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? बिलीफ होना वैल्यू होना ऑब्जेक्टिविटी होना या फिर सब्जेक्टिविटी होना तो किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है तो ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड यानी कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब आप जाते हो तो उसको क्या कहते हैं इंडक्शन डिडक्शन ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी डिडक्शन जनरल से जब पर्टिकुलर की तरफ जाते हो तो आप इसको डिडक्शन कहते हैं देखिए होता क्या है दो टाइप की रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है जब आप ऑब्जर्वेशन uh, से यानी कि

डिराव किया जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि उस जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कुछ जो है कंक्लूजन डिराइव करते हैं जैसे कि इफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल ये क्या है जनरल प्रिंसिपल है ठीक तो अगर सभी ऑर्गेनिज सेल्स से बने हैं तो ह्यूमन क्या है ऑर्गेनिज्म है तो यानी कि ह्यूमन भी सेल्स का बना होगा तो यानी कि हमने जनरल प्रिंसिपल से क्या किया स्पेसिफिक चीजों पे आया रीजनिंग फ्लोस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जनरल टू पर्टिकुलर तो अगर जनरल टू पार्टिकुलर किसी चीज पर जाए तो डिडक्टिव रीजनिंग हो गया पर्टिकुलर यानी ऑब्जर्वेशन से हम कोई जनरल प्रिंसिपल क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है नेक्स्ट है रिसर्च अंडर फॉर नॉलेज सेक इज़ यानी कि ऐसा रिसर्च जो कि सिर्फ अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए अपनी नॉलेज की इंक्रीज करने के लिए जो है किया जाता है तो उस टाइप के रिसर्च को क्या कहते हैं प्योर रिसर्च एक्शन रिसर्च पायलट स्टडी या फिर ऑप्शन डी सर्वे तो यहाँ पर रिसर्च टाइप आपने अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च होता है जो कि सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए वो कंडक्ट किया जाता है तो ऐसे रिसर्च को क्या कहते हैं प्योर रिसर्च नॉलेज सेकिंग के लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो प्योर रिसर्च जिसको हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज यानी फैक्ट फाइंडिंग स्टडी का एग्जाम्पल क्या है प्योर रिसर्च सर्वे एक्शन रिसर्च लॉन्ग टर्म रिसर्च तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर्वे सर्वे में हम क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करके फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं कि क्या फैक्ट है डेटा कलेक्ट करने के बाद तो सर्वे के थ्रू कहता है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवेल्यूएशन इज मेड इन यानी कि फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज किया जाता है और क्रिटिकल इवालुएशन जो है बनाया जाता है क्रिटिकल इवाल्यूशन किया जाता है किस में सर्वे में एक्शन रिसर्च में एनालिटिकल रिसर्च में भी पायलट स्टडी में तो देखिए नाम से यहाँ पे क्लियर होगा एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन एनालाइज्ड तो एनालाइज्ड किस में क्या है एनालिटिकल रिसर्च में किया जाएगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एनालिटिकल रिसर्च में फैक्ट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है उसको चेक किया जाता है और क्रिटिकल इवालुएशन किया जाता है फैक्ट और फिगर्स का वहीं पे एक्शन रिसर्च क्या होता है रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम तो एक्शन उसको रिसर्च कहते हैं एक्शन रिसर्च कहते हैं यानी कि ऐसा रिसर्च जो इमीडिएट प्रॉब्लम जो कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने की जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको क्या है? कहते हैं एक्शन रिसर्च कहते हैं एक तरीका का ये क्या होता है अप्लाइड रिसर्च भी कहलाता है नेक्स्ट है मोटिवेशन रिसर्च इज ए टाइप ऑफ डैश रिसर्च तो मोटिवेशन किस टाइप का रिसर्च होता है मोटिवेशन रिसर्च क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव प्योर या फिर अप्प्लाइड देखिए मोटिवेशन क्या है ये क्वालिटेटिव या है क्वालिटेटिव है तो मोटिवेशन रिसर्च क्या हो जाता है मोटिवेशन रिसर्च ये टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ओके नेक्स्ट रिसर्च रिलेटेड टू एब्सट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इज यानी कि कोई आइडियाज या कॉन्प्ट रिलेटेड जब आप रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च देखिए क्वेश्चन में ये है कि एब्सट्रेक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च करो तो क्या हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कॉन्सेप्ट थ्योरी पे आप जो है रिसर्च करो ए रिसर्च विच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड यानी कि आपको बताना है कि कौन से रिसर्च में केस स्टडी मेथड जो है फॉलो किया जाता है तो ऑप्शन ए है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कैजुअल ऑप्शन सी एनालिटिकल या फिर ऑप्शन डी क्वालिटेटिव तो देखिए क्वालिटेटिव में क्वालिटी हो गया एनालिटिकल में एनालिसिस हो रहा है डेटा ऑफ फैक्ट फाइंडिंग का कैजुअल में जो है रिलेशनशिप आप जो है फाइंड आउट करते हैं वहीं पर ऑप्शन ए है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक यहाँ पे क्या होता है केस स्टडी जो है मेथड फॉलो किया जाता है क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक में केस अकॉर्डिंग केस के अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन ए क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक नेक्स्ट है रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम रूम इज कॉल्ड यानी कि अगर कोई क्लासरूम में आप रिसर्च आप कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है फील्ड स्टडी सर्वे लेबोरेटरी रिसर्च या फिर एंपेरिकल रिसर्च देखिए फील्ड स्टडी सर्वे क्या है ये सब बाहर जाके रिसर्च करते हैं लेबोरेटरी रिसर्च क्या है लैब के अंदर करते हैं इसको क्या मिलते हैं क्लास रूम एटमोस्फेयर भी कहते हैं तो रिसर्च कंडक्टेड इन क्लास रूम एटमोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी रिसर्च नेक्स्ट है पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसर्च यानी कि पॉपुलेशन सेंसस जनगणना तो जब ह्यूमन पॉपुलेशन की जनगणना कर रहे हो सेंसर का तो, तो वो किस चीज किस टाइप का रिसर्च का एग्जाम्पल है सर्वे रिसर्च इंपेरिकल रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च तो देखिए पॉपुलेशन सेंसर में क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं सभी लोगों से सभी पॉपुलेशन से तो इसको क्या कहते है? हैं सर्वे रिसर्च कहते हैं तो आप टाइप ऑफ रिसर्च हम यहाँ पे देख लें तो टाइप ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन के व बेसिस पे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर टाइप ऑफ इफॉर्मेशन सॉर्ट यानी कि कैसे इनफॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पर आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो प्योर रिसर्च होता है और अपलाइड रिसर्च भी होता है एप्लीकेशन के बेसिस प्योर रिसर्च जो कि आपने देखा कि नॉलेज से यानी सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए हम उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं वहीं पर अपलाइड रिसर्च जो कि एक्शन रिसर्च अपलाइड यानी कि उस चीज़ों को हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहे वो इमीडिएट प्रॉब्लम हो चाहे आने वाली प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है को होता है और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है वहीं पर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है नेक्स्ट है डैश इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम तो आपको बताना कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वे है जहां पे सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है सी है रिसर्च मेथडोलॉजी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है ये सिस्टमेटिकली तरीका है रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नेक्स्ट है रिसर्च मेथड इज ए पार्ट ऑफ आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या, है? ये है, wider, है. यहाँ पे क्या होता है अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर टेक्निक्स जो यूज किए जा सकते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हम पढ़ते हैं तो रिसर्च मेथड क्या हो गया किसी एक स्पेसिफिक मेथड के बारे में बात हो रहा है तो रिसर्च मेथड हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाइंग ऑफ ए प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम किया था कि क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के, प्रौब्ल, के लिए सोल्यूशन तो क्या कहते हैं करेक्ट ऑप्शन है, है आइडेंटिफाई करते हैं कॉज को उसके प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद उसके पॉसिबल सोल्यूशन को बताते हैं तो डायग्नोस्टिक स्टडी जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो कि टिथ में पेन हो रहा है तो आप पहले डॉक्टर डायग्नोस करता के एक्चुअल में टिथ पे पेन क्यों हो रहा है फिर जब वो डायग्नोस कर लेता है उसके बाद उसका सोल्यूशन वो बताता है फ द फॉलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा तो देखिए डेटा दो टाइप के प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी डेटा वो डेटा जो कि पहली बार आप कलेक्ट कर रहे होते हो रिसर्च के लिए ऑलरेडी मार्केट में कलेक्टेड है किसी दूसरे ने कलेक्ट किया हो आप उसको तो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है आपको नीचे दिए ऑप्शन में बताना है बुक जर्नल न्यूज या फिर सेंसस रिपोर्ट तो देखिये बुक जर्नल और सेंसस रिपोर्ट ये तीनों ही क्या है ये तीनों सेकेंडरी डेटा है ये ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन वहीं पर न्यूज क्या है ये करंट इन्फॉर्मेशन देता है और ये एक तरीके का प्राइमरी डेटा कहलाता है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर्स इन इंडिया इज तो रिसर्चर्स के लिए मेजर ड्रॉबैक क्या है इंडिया में यानी कि क्यों पीछे हैं रिसर्चर्स इंडिया में लैक ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ की कमी है लैक ऑफ सफिशियंट रिसर्च गाइड रिसर्च गाइड्स की कमी है लैक ऑफ सफिशियंट फंड फंड की कमी है पैसे की कमी है या फिर लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च यानी साइंटिफिक ट्रेनिंग रिसर्च में उसकी कमी है तो देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत है इंडिया में गाइड्स भी बहुत हैं फंड्स भी बहुत हैं यू है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अक्सर जो है ए आई सी टी होगी ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटीज की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए लेकिन साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है रिसर्च में ये बहुत ही इसकी कमी है जिसकी वजह से अभी भी रिसर्चर्स इंडिया में पीछे कहीं ना कहीं रह जाते हैं तो ऑप्शन डी डीज ऑप्शन लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च नेक्स्ट है SSR, ये कुछ फॉर्म यहां पे आप को ज्यादा होना चाहिए आईसीएसएसआर का क्या फुल फॉर्म होता है तो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च जो कि स्टैब्बलिश हुआ था 1969 में तो आईसीएसएसआर इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च इसी तरीके से यूजीसी यूजीसी क्या होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जहां से आपके बी ए बी ये सारे कोर्सेज जो है अप्रूव्ड होते हैं नेक्स्ट है जेआरएफ जेआरएफ क्या होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यह पी यानी रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से फेलोशिप दी जाती है यानी कि पैसे दिया जाता है कि आप रिसर्च करके पी यानी डॉक्टर फिलोसफी आप कंप्लीट करिए नेक्स्ट है डैश इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा है आपको बताना है तो रिसर्च प्रोसेस आपने पढ़ा होगा डिटेल में कि रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आइए पहले उसको देख लेते हैं तो रिसर्च प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के तो सबसे पहले क्या होता है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्च प्रॉब्लम है पहले उसको डिफाइन करते हैं सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम रिव्यू द लिटरेचर यानी कि लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट और थ्योरीज हैं जो ऑलरेडी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं किसी दूसरे ने किए हैं उसको रिव्यू करते हैं उसको चेक करते हैं फिर हम रिसर्च हाइपोथिस फॉर्मुलेट करते हैं फिर रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हैं यानी कि सैम्पल साइज क्या होगा टेक्निक क्या होगा डेटा कैसे कलेक्ट करना है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं उसके बाद डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं यानी एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया फिर जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं एडिटिंग टेबलेन क्लासिफिकेशन उसमें कोडिंग डिकोडिंग उसके बाद जो है एनोवा टेस्ट हाइपोथेसिस है, है टेस्टिंग साइड टेस्ट करते हैं एनालाइज करते हैं उसके बाद फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट जो है आपका जो लास्ट यूनिट है रिपोर्ट बनाना रिपोर्ट फॉर्मेट तो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बेसिस पर फिर हम डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं फिर फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये जो है आपके सामने रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स है डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम रिव्यू द लिटरेचर रिसर्च हाइपोथेसिस फॉमलेट करना रिसर्च डिजाइन देन कलेक्ट द

ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए सॉल्यूशन चाहिए वो क्या हो सकता है ऑब्जर्वेशन होगा प्रॉब्लम होगा डेटा होगा फिर एक्सपेरिमेंट होगा तो बट अब इससे प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है कन्वर्टिंग ए क्वेश्चन इन टू प्रॉब्लम इज कॉल्ड यानी कि किसी क्वेश्चन को जब आप उसको रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके क्वेश्चन को अपने कन्वर्ट कर दिया ऐसे प्रॉब्लम में जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके तो इसको क्या कहते हैं सोल्यूशन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम फॉर्मलेन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको कहते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना क्वेश्चन को अपने रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया यानी कि प्रॉब्लम को बनाया फॉर्मुलेट किया तो ऑप्शन सी इज दी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम यानी कि पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने लिए क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम गैदरिंग ऑफ डेटा मेजरमेंट ऑफ ए सर्वे तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करते हैं प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पहले स्टेट करिए उसको बताइए कि प्रॉब्लम है क्या ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन तो अब यहाँ पे हम पहले देख लें कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम में कौन कौन से स्टेप है। तो होते हैं तो नॉर्मली फाइव स्टेप्स होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को जब फॉर्मुलेट करते हैं बनाया जाता है प्रॉब्लम को तो उसमें जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम में तो उसमें पाँच स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पहला स्टेप होता है जो आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को स्टेट कि क्या है प्रॉब्लम फिर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम का नेचर क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए समझिए देन सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर सर्वे हैं यानी कि ऑलरेडी जो मार्केट में डॉक्यूमेंट्स ऑफ है हैं या फिर कोई ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च किया जा चुका है तो उसको आप जो है सर्वे करिए उसके बारे में पढ़िए फिर उसके बाद आइडियाज डेवलप आइडियाज थ्रू डिस्कशन डिस्कशन करके आइडियाज डेवलप करिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एंड देन रीफ्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम फिर उस प्रॉब्लम को रिफ्रेस करिए दोबारा से अपने वर्ड्स में उसको नए तरीके से उसको स्टेट करिए उसको बताइए फॉर्मुलेट करिए तो ये पांच स्टेप होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम में तो पहला स्टेज क्या रहेगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दूसरा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम तीसरा सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर देन डेवलप आइडिया थ्रू डिस्कशन एंड देन लास्ट इज रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव ए जब हम कोई भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या देना चाहिए टाइटल इंडेक्स बिब्लियोग्राफी या कॉन्सेप्ट तो देखिए इंडेक्स बिब्लियोग्राफी या कॉन्सेप्ट ये क्या है रिसर्च मेथोलॉजी की रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट होते हैं टाइटल टाइटल यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है तो बट ऑबियस बात है हम उसको एक नाम देना होता है तो हम क्या देंगे ऑप्शन ए टाइटल नाम देंगे हाइपोथिस विच ड विच डेवलप वाइल्ड प्लानिंग द रिसर्च तो आपको बताना है कि जब हम रिसर्च को प्लान कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं उसको क्या कहते हैं नल हाइपोथेसिस वर्किंग हाइपोथेसिस रिलेशनल हाइपोथेसिस या फिर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसकी वैलिडिटी को हमें टेस्ट करना होता है यानी कि जब हम कोई प्रॉब्लम उठाते हैं तो उससे रिलेटेड हम जो है कुछ हाइपोथेसिस कुछ गेस करते हैं कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं हम जो आगे चल के एनोवा टेस्ट लगाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि

द फर्स्ट वेरिएबल डैश इज वेरिएबल तो आपको जो पहला वेरिएबल दो टाइप के वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो जो पहला वेरिएबल होता है वो किस टाइप का वेरिएबल होता है एब्स्ट्रैक्ट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या फिर सेपरेट तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है वहीं पर जो सेकेंड वेरिएबल होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है नल मीन्स क्या होता है नल मीन्स जीरो वन मेनी या फिर नन ऑफ देश तो नल का मतलब क्या होता है जीरो नथिंग नल नील है नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस द कॉमन एरर इज यानी कि जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है तो कॉमन एरर क्या आते हैं टाइप वन एरर होता है टाइप वन और टाइप टू एरर होते हैं या फिर टाइप टू होता है सिर्फ या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देस तो जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो दो टाइप की एरर नॉर्मली जो है रिसर्चर्स uh, कमिट uh, करते हैं तो वो होता है टाइप वन और टाइप टू एरर ऑप्शन बेज द टाइप वन टाइप टू एरर होता क्या है देखिए टाइप वन एरर मतलब कि तब आता है जब रिसर्चर नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू यानी कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस हाइपोथेसिस को क्योंकि वो ट्रू था फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप वन एरर इज सिग्निफिकेंस लेवल टाइप वन एरर को कमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके लेवल को हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से दिस प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ा एंड इज ऑफन डिनोटेड बाई अल्फ़ा तो नल हाइपोथिसिस जब सही होता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है रिसर्चर द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो टाइप वन एरर होते हैं और कितने चांसेज हैं उस टाइप वन एरर को कमिट करने की रिसर्चर द्वारा उसको हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से टाइप वन एरर को वहीं पर टाइप टू एरर क्या है टाइप टू एरर जब नल हाइपोथिस जो है गलत होता है फॉल्स होता है और उसको जो है रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेता है तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं टाइप टू एरर, यानी कि नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन उसको रिसर्चर ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम कहते हैं टाइप टू एरर और इसको डिनोट करते हैं बीटा से और

स्टडी है फिर सिस्टमेटिक स्टडी है तो देखिए सर्वे में क्या करते हैं हम फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स क्या है चीजें उससे कलेक्ट सेटिंग में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं तो फैक्ट फाइंडिंग होता है. तो, आपने हमने है तो आप वहां पर देख सकते हैं तो रिसर्च प्रोसेस में फाइनल स्टेज क्या होता है प्रॉब्लम फॉर्मलेन डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस या फिर रिपोर्ट राइटिंग करेक्ट तो ऑप्शन यहाँ पे है क्या फाइनल स्टेज रिपोर्ट राइटिंग होती है report बनाते हैं ज़िए ज़िए जो भी रिसर्च किया उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं वो फाइनल स्टेज होता है रिसर्च प्रोसेस में तो ऑप्शन ऑप्शन देखिए रिपोर्ट राइटिंग में कंटेंट क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट है यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए तो देखिए नॉर्मली जो है रिपोर्ट राइटिंग को चार सेक्शन में डिवाइड होता है तो पहला जो सेक्शन होता है वो प्रीफेटरी आइटम होता है प्रीफेटरी फेट्री आइटम इन्स इंट्रोडक्ट्री आइटम इंट्रोडक्शन यानी कि रिपोर्ट का टाइटल पेज हो गया रिसर्च डिक्लेरेशन हो गया सर्टिफिकेट हो गया जो भी सुपरवाइजर रिसर्चर गाइड्स के होते हैं कॉलेज से सर्टिफिकेट अगर कोई मेरा तो वो लगा दिया एक्नॉलेजमेंट आप किस थैंक यू बोलना चाह रहे हैं उसको दिए फिर कंटेंट यानी जो टेबल ऑफ इंडेक्स होता है लिस्ट ऑफ़ एब्रीविएशन लिस्ट ऑफ़ टेबल लिस्ट ऑफ़ फिगर या फिर लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स या फिर अपनडिक्स जो भी आपने अटैचमेंट लगाए हैं लास्ट में रिपोर्ट वो सारी की लिस्ट किस पेज नंबर पे कौन सा चीज अवेलेबल है वो सारा चीज यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे शो करते थे ये सारे जो पेज होते हैं आइटम्स होते हैं रिपोर्ट में उसको क्या कहते प्री फेट्री आइटम होते हैं फिर चैप्टर पार्ट आता है यानी कि इंट्रोडक्शन होता है फिर रिसर्च डिजाइन होता है रिसर्च मेटोलॉजी होता है फिर डेटा अनालिस होता है फाइंडिंग हो गया रिकमेंडेशन हो गया सजेशन हो गया लिमिटेशन हो गया ये सब चैप्टर पार्ट में आते हैं वहीं पर जो थर्ड पार्ट होता है बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि रिफरस ऑफ बुक्स यानी कि जब भी हम कोई रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं कोई रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो हमने बहुत सारी बुक्स को जर्नल्स को रिपोर्ट किया होता है तो उसका हम रेफरेंस लास्ट में देते हैं कि किस बुक को हमने रेफर किया हुआ है तो उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी फिर आता है अपेंडिक्स या फिर अपेंडिक्सिस देखिए स्पेसलिंग आप ध्यान रखिएगा तो दोनों में से कोई से ही पूछे तो मतलब सेम होता है तो अपेंडाइसिस मतलब क्या होता है कि आप लास्ट में क्या करते हो रिपोर्ट के क्वेश्चन जो आपने यूज़ किया उसका एक सैंपल लगा देते हो कोई वर्किंग पेपर है वर्किंग नोट है आपने वो लगा दिया किसी कंपनी का बैलेंस शीट आपने यूज़ किया तो उसको अपने लास्ट में लगाते थे. तो जो भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट होते हैं रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए वो हम कहाँ लगाते हैं अपेंडिक्सिस या अपेंडासिस में लास्ट में रिपोर्ट के लगता है तो प्रीफेट्री आइटम फिर चैप्टर पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन रिसर्च मेटोलॉजी एनालिसिस डेटा एनालिसिस हो गया फाइंडिंग

डेटा सारी चीजें आप वहाँ पे देंगे फिर डेटा एनालिसिस होता है मेथोडोलॉजी कौन सा यूज किया आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की है फिर उसका रिजल्ट आता है लिमिटेशन होते हैं कंक्लूजन और रिकमेंडेशन होते हैं फिर लास्ट में क्या आते हैं आपके बिब्लियोग्राफी और अपेंडिकेज में क्वेश्चन हो गया इस टेस्ट का आउटपुट हो गए कोई लिस्ट हो गई ठीक है कोई बैलेंस शीट हो गई वो आप लगा सकते इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है तो आपको याद रखना होगा नेक्स्ट है द रिपोर्ट सबमिटेड व्हेन देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड यानी कि इस टाइप का रिपोर्ट जहां पे एक टाइम लैग होता है टाइम गैप होता है बिटवीन डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन में और उसके रिजल्ट के प्रेजेंटेशन में तो उस टाइप की रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं थे इंटरिम रिपोर्ट समरी रिपोर्ट या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल तो देखिए इंटरिम रिपोर्ट आपने नॉर्मली न्यूज़ में भी सुना होगा कि इंटरिम रिपोर्ट पेश किया जा रहा है तो इंटरिम रिपोर्ट क्या होता है कि डेटा कलेक्शन चल रहा है अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं बनी है और उसमें अभी टाइम है फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने में तो उस बीच में जब हम कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरिम रिपोर्ट ऑप्शन बेस दी करेक्ट ऑप्शन तो टाइम लैग जब होता है डेटा डेटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन में तो उस रिपोर्ट को हम कहते हैं एंट्रीम रिपोर्ट कहते हैं देखिए रिपोर्ट के टाइप्स कितने होते हैं तो पहला होता है टेक्निकल रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट मतलब कि इज़ यूज टू इंडस्ट्री टू कम्युनिकेट टेक्निकल इफॉर्मेशन वो रिपोर्ट जहां पर टेक्निकल इफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया जाता है ठीक है जो कि हेल्प करता है डिसीजन डिसीजन लेने में जैसे कि कौन सा जो है इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है परचेज करना है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उन सब में हेल्प करता है तो टेक्निकल रिपोर्ट क्या हो गया टेक्निकल इंफॉमेसन कम्युनिकेट करता है एक होता है बिज़नेस रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट में क्या होता है कि वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में लेने में और रियलिस्टिक सिचुएशन जो भी होते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में जो भी थ्योरीज होती हैं कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर जो भी केसेज होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर पब्लिश की जाती है वो बिजनेस रिपोर्ट्स में और वो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में जैसे मार्केटिंग और मैनेजमेंट कैसे करना है इस स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है तो उसको बिजनेस रिपोर्ट्स कहते हैं वहीं पर एक आता है एबस्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी तो एब्सैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है ये एक तरीके से पूरे रिसर्च रिपोर्ट को जो बहुत से 300-400 पन्नों में होता है रिपोर्ट उसका एक समराइज फॉर्म होता है एबस्ट्रेक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल कोई भी रिसर्च पेपर है रिसर्च आर्टिकल है उसका ब्रीफ समरी होता है थीसिस रिव्यू कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का ठीक है ये दो सौ सौ वर्ड में पूरे रिसर्च को समराइज कर दिया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव मेथड डिस्कशन कंक्लूजन सब कुछ हम दो सौ में समराइज करते हैं तो उसको कहते हैं एब्सटेक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी फिर आपने जो भी देखा क्वेश्चन में इंटरम रिपोर्ट इंटेरम रिपोर्ट क्या रिसर्च टाइमिंग लॉग जब क्या होता है कि रिसर्च लंबे समय तक चल रहा है तो बीच में हम क्या करते हैं एक रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइप की रिपोर्ट को क्या कहते हैं इंटेरिम रिपोर्ट करते हैं ठीक है बिफोर दी फाइनल कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च तो ये कुछ टाइप ऑफ रिपोर्ट थे अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बिब्लियोग्राफी मेंज तो बिब्लियोग्राफी अभी आपने देखा कि बिब्लियोग्राफी में क्या होता है फुट नोट होता है कोटेशन होता है लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड होता है फिर बायोग्राफी होता है तो बिब्लियोग्राफी में लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड यानी कि रिपोर्ट कंडक्ट करने में रिपोर्ट रिसर्च कंडक्ट करने में कौन कौन सी बुक्स को आपने कौन कौन सी जर्नल्स को आपने रिफर किया है उसकी लिस्ट को हम क्या कहते हैं बिब्लियोग्राफी कहते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज तो अभी आपने देखा अपेंडिक्स बिब्लियोग्राफी इंडेक्स या फिर टाइटल पेज तो फर्स्ट पेज क्या होगा ऑप्शन डी टाइटल पेज होता है किसी भी रिसर्च

या ए भी लिख दिया फिर आप उस नीचे फुट नोट में आ जाइए उस ए बी का मतलब ढूंढ सकते हैं उसके में डिटेल्स में दी गई होती है उसको कहते हैं एक्नोलेज इन डेप्ट मैच नेक्स्ट है फेलियोर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड यानी कि कोई भी आपने मटेरियल बोरोड किया यानी किसी दूसरे रिसर्च से किसी दूसरे बुक से जो है आपने यूज़ किया है और उसका जो है आप एक्नॉलेज नहीं देते हो ठीक है तो आप क्या होगा एक्नॉलेजमेंट होगा फुट नोट कहलाएगा इंडेक्स कहलाएगा प्लेगरिज्म प्ले, 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 कहलाएगा तो अगर आपने एक्नॉलेजमेंट किसी दूसरे का मटेरियल यूज किया और उसको एक्नॉलेज नहीं किया तो ये कहलाता है प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म मतलब कि आपने चीटिंग की है टेक एंड यूज़ ऑफ अदर एज वंस ऑन यानी कि आपने किसी दूसरे का मटेरियल अपने नाम से यूज कर लिया तो उसको क्या कहते हैं प्लेगरिज्म कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड यानी कि किसी रिसर्च वर्क का ब्लू प्रिंट क्या कहलाता है रिसर्च 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 प्रॉब्लम डिजाइन टूल या फिर मेथड तो रिसर्च वर्क का ब्लू क्या कहलाता है रिसर्च डिजाइन ऑप्शन बेस दी करेक्ट ऑप्शन फैक्ट फिगर एंड अदर रेलिवेंट मेटेरियल सर्विंग एज ए बेसिस फॉर ए स्टडी इज कॉल्ड यानी कि फैक्ट फिगर और अदर रेलवेंट मेटीरियल क्या कहलाते हैं मेथड डेटा या थ्योरी तो देखिए डेटा में ही क्या होते हैं फैक्ट्स होते हैं फिगर्स होते हैं अदर रेलिवेंट मेटेरियल होते हैं जो कि बेस बनते हैं किसी भी स्टडी का तो उसको क्या कहते हैं डेटा डेटा के बेस पे ही जो हम पूरी स्टडी करते हैं तो कैट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी डेटा देर आर मेनली डैश सोर्सेज ऑफ डेटा कितने टाइप के डेटा होते हैं सोर्स सोसेज ऑफ डेटा कितने हैं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा दो ही टाइप के डेटा होते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा ये प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा तो ऑरिजनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपको बताना है कि वो ऑरिजिनल सोर्स कौन सा है जहाँ से रिसर्चर इफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स ब्रोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देश तो देखिए जो ऑरिजिनल सोर्स है रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करने का वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है सेकेंडरी सोर्स यानी कि डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर किसी दूसरे ने डेटा कलेक्ट कर रखा है और कंपाइल करके कर रखा है उसका यूज उस हम जब आप रिसर्च करने के लिए करते है, तो है, है। 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 हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं सेकेंडरी सोर्स कहते हैं जैसे रेडीमेड या रेडली अवेलेबल डेटा होते हैं बहुत सारे जो है बुक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट बहुत सारे पब्लिकेशन अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर आप चले गए वहां से आप डेटा लेख ले रहे हो तो वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है तो आप यहाँ पे कुछ डिफ्रेंसेस है सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा के बीच में जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि प्राइमरी डेटा इज ऑल जनल इन कैरेक्टर ठीक है कौन सा डेटा एरिजनल होता है कैरेक्टर में प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डेटा क्या सेकेंडरी डेटा इज नॉट ऑरिजनल कलेक्शन ऑफ डेटा इज एक्सपेंसिव प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना एक्सपेंसिव होता।, होता है वहीं पर सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना लेस एक्सपेंसिव है कम एक्सपेंसिव है लेकिन प्राइमरी डेटा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डाटा इज इन द शेप ऑफ रॉ तो प्राइमरी डेटा जो होता है क्या वो रॉ मेटेलियल होता है उसको आपको प्रोसेसिंग करके उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है वहीं पर सेकेंडरी डेटा क्या है वो ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में जो है आपको मिलता है यानी कि सेकेंडरी डेटा पर ऑलरेडी जो है प्रोसेसिंग हो रखी होती है आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन सीधे मिलती है

इट इज़ ऑरिजिनल कलेक्टेड बाई द इन्वेस्टिगेटर तो प्राइमरी डेटा होता है वो इन्वेस्टिगेटर खुद जो है ऑरिजिनली कलेक्ट करता है वहीं पर सेकेंडरी डेटा क्या होता है जो भी अवेलेबल सोर्सेज होते हैं वहाँ पर जाकर हम ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल होता है सेकंड्री डेटा तो वहाँ पर रिसर्चर जो है कलेक्ट नहीं करता बल्कि वहाँ से कंपाइल करता है नेक्स्ट है द डटा रिलेटेड टू ह्यूमन बींगस आर कार्ड यानी ह्यूमन बींगस से रेलेटेड अगर कोई डाटा है तो उसको क्या कहते हैं टेरिटोलियल डाटा ऑर्गनाइजेशनल डाटा पेरीफेलर डेटा या फिर ऑप्शन डी डेटा तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी डेमोग्राफिक डेटा टेरिटोरियल डेटा क्या होता है जियोग्राफिक जियो फिजिकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती है डेटा रिलेटेड टू जियो फिजिकल कैरेक्ट्रिक्स उसको क्या कहते हैं टेरिटोरियल डेटा एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेथड इज कॉल्ड यानी किसी रिसर्च मेथड में आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो उसको क्या कहते हैं सैंपल टेक्निक टूल या फिर मेथड तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे यूज कर रहे हो आप रिसर्च मेथड में तो उसको कहते है, tool. Tool हैं टूल टूल का यूज करते हम इंस्ट्रूमेंट को टूल कहते हैं मेथड क्या होता है द वे और मोड ऑफ गैदरिंग डेटा मेथड क्या है तरीका किस तरीके से हम जो है आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो मेथड कहलाता है है नेक्स्ट है इन ए डैस ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि नीचे दिए कौन से ऑप्शन में से रिसर्चर जो है ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है ठीक है कौन से ऑब्जर्वेशन में नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्ट होता है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा रिसर्चर अलग खड़ा होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, है सिर्फ लेकिन खुद पार्टिसिपेट होकर ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्वेशन जब पर्सनली ऑब्जर्वर खुद ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या कहते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल ऑप्शन क्या है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि जो रिसर्चर है वो पर्सनली जो है ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं कैमरा टेप रिकॉर्डर वीडियो टेप एटसेट्रा आर डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन में दो तरीके होते हैं या तो पर्सनली जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी टूल्स का टेक्निक का मशीनरी का यूज करते हैं तो कैमरा टेप रिकॉर्डर वीडियो टेप का यूज करके जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं कैजुअल डिवाइसज ऑफ ऑब्जर्वेशन मैकेनिकल डिवाइजिसज ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निकल डिवाइसज ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर मैनुअल डिवाइजिस ऑफ ऑब्जर्वेशन तो देखिए कैमरा टेप रिकॉर्डर वीडियो क्या है ये मैकेनिकल

प्रोविंग इज कॉल्ड प्रोविंग मतलब क्या होता है? देखिए कि कि किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ जाके नॉलेज गेन करना डीपली जो है नॉलेज गेन करना रिसर्च करना इन्वेस्टिगेट करना तो प्रोबिंग कहलाता है तो इंटरव्यू विच रुक्र प्रोबिंग यानी कि ऐसा इंटरव्यू जहां पे डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है आपको उसको क्या कहेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सीधा सीधा दिख रहा है तो ऑप्शन बी इज द डेफ इंटरव्यू तो प्रोबिंग इंक्वायरिंग क्लोजली इन समथिंग बहुत ही डीप में जाके किसी चीज के बारे में इंक्वायर करना नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज तो नॉन पर्सनल जहां पे पर्सनली जो रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होता डेटा कलेक्शन में उसको क्या कहते हैं इंटरव्यू ग्रुप इंटरव्यू शेड्यूल या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू तो देखिए इंटरव्यू चाहे वो ग्रुप इंटरव्यू चाहे शेड्यूल होते तीनों में जो है रिसर्चर को खुद जो है डेटा कलेक्ट करना होता है लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में वहां पर्सनली जो है कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं होती वो टेलीफोन पर जो है पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेता है तो ऑप्शन डी टीज द ऑप्शन नॉन पर्सनल मेथड डेटा कलेक्शन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूर एंड रिस्पॉर्डर इज कॉल यानी कि जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है इंटरव्यूर में और रिस्पॉन्डेंट में यानी रिसर्चर और रिस्पॉन्डेंट में तो उसको क्या कहते हैं मोरल मैनेजमेंट रिपोर्ट या कंक्लूजन तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा रिपोर्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप को क्या कहते हैं रिपोर्ट ऑप्शन सी रिपोर्ट यानी कि ियस रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यू एंड ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी ऑफ इंडिव्यूअल विध ए कॉमन इंटरेस्ट इंटरक्ट इज कॉल्ड यानी कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड है यानी कि एक हो गया इंटरव्यू हो गया ठीक है नीचे ऑप्शन में इंटरव्यू तो यह इंटरव्यू हो गया विच ए नंबर ऑफ इंडिव्यूअल विथ ए कॉमन इंटरेस्ट यानी कि जब आप एक कॉमन इंटरेस्ट जुड़े जो लोग हैं उनको एक ग्रुप में कर लेते हो तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या कर हो जाएगा कॉमन इंटरेस्ट के लोग एक साथ इंटरव्यू कर रहे हो तो ये क्या क्या जाएगा ग्रुप इंटरव्यू ऑप्शन डी ग्रुप इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं होगा क्लिनिकल इंटरव्यू नहीं होगा फोकस्ड भी नहीं होगा ग्रुप इंटरव्यू हो जाएगा क्यों क्योंकि आप कॉमन लोगों को एक साथ रख के उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट है सेंडिंग क्वेश्चनर टू रिस्पॉन्डेंटेंटेंटेंटेंट विथ ए रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न बाई पोस्ट इज कॉल्ड यानी कि आप क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर रहे हो और क्वेश्चन जो है किसी रिस्पॉन्डेंट को बाई पोस्ट आप सेंड कर दे रहे हो उसे बोल रहे हो कि आप कंप्लीट करके भेज दे तो क्या कहलाएगा मेल सर्वे इंटरव्यू ऑब्जर्व

रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्डेंट कौन होता है इज फिल्ड जो क्वेश्चन को फिल करता है उसको हम रिस्पॉन्डेंट कहते हैं ठीक क्वेश्चन विच अलाउ ओनली ए फ्यू अल्टरनेटिव वे ऑफ आंसरिंग इज कॉल्ड यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कि सिर्फ कुछ ही तरीके देता है आपको आंसर करने का उसको क्या कहते हैं ओपन एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर या फिर डायकोटोस क्वेश्चन तो करेट ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्वेश्चन यानी कि वहां पे वेल well डिफाइंड पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है तो आपको उन्हीं में से आंसर करने होते हैं आपको जो है अलग से कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता है ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि आप ओपन है आप कुछ भी बताइए नो no, आपको कोई बाउंड्रीज कोई लिमिटेशन नहीं है वहीं पर क्लोज एंडेड क्या हो जाता है कि आपको बाउंड्रेशन कर दिया जाता है कि आप बाउंडेड है इन्हें जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से आपको कुछ बताना है तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी

नेक्स्ट है द क्वेश्चन विच बाई इट्स कंटेंट स्ट्रक्चर और वर्डिंग लीड्स टू रिस्पॉन्डेड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्टेन आंसर इज कॉल्ड यानी कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कोई आपको आंसर की तरफ लीड करते हैं ठीक है जैसे कि यही क्वेश्चन क्या कर रहा है लीड कर रहा है कि आपको बता रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है तो लीड कर रहा है तो यानी कि क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा फैक्चुअल क्वेश्चन ओपिनियन क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चरल क्वेश्चन तो गाइड ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लीडिंग तो बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आंसर की तरफ धकेलते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट परटेनिंग टू ए स्टडीज कॉल्ड यानी कि वो सारे यूनिट जिनके ऊपर स्टडी किया जाना है उसके एग्रीगेट को क्या कहते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स यूनिट सैंपल या फ्रेम तो देखिए हम जो यूनिट के सारे यूनिट के ऊपर जिस पे स्टडी की जा रही है उसको क्या कहते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स पॉपुलेशन और यूनिवर्स ही जो क्या कहता है सभी यूनिट्स का एग्रीगेट कहलाता है उन्हीं के ऊपर स्टडी की जा रही हो तो अब अलग बात है कि उसमें से हम सैंपल लेके स्टडी कर रहे हैं या फिर हम पूरे यूनिवर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं हर एक पॉपुलेशन हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सेंसस हो जाता है वहीं पर अगर हम सैंपल लेके करते हैं तो वो सैंपलिंग कहलाता है ए मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इस कार्ड यानी कि किसी भी पॉपुलेशन का जो मेंबर होता है उसको क्या कहते हैं एलिमेंट सेंसस सैंपल या ग्रुप तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए एलिमेंट यहाँ पे आपको लग जाएगा सेंसस का ऐसे भी लोगों से डाटा कलेक्ट करना सिंपल है छोटा सा पार्ट ग्रुप क्या है हिस्सा लेकिन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन के मेंबर को क्या कहते हैं उसको कहते हैं एलिमेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं मल्टीपल चॉइस यूनिवेरिएट एनालिसिस रैंडम सैम्पलिंग या फिर बाई वेरिएट सालिस तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं ऑप्शन भी यूनिवेरिएट एनालिसिस भी कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस यानी कि जहाँ पे सिर्फ किसी एक फैक्टर का हम चेंज कर चेंज करते हैं उसका इफेक्ट देखते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल बाई यूजिंग स्टेटिसकल मेथड या टूल तो किसी सिंगल वेरिएबल को हम डिस्क्राइब करते होते जैसे कि मेन मीडियन मॉड डिस्पर्सन रेंज क्वार्टाइल स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्यूनेस कटोसिस

कौन है कोटा सैम्पलिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग पर्पजिव सैम्पलिंग या फिर लॉटरी मेथड तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल पूछा है तो कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी होता है पर्पजिव नॉन प्रोबेबिलिटी होता है और ऑप्शन डी लॉटरी लॉटरी क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है तो क्या ऑप्शन कर जाएगा ऑप्शन डी लॉटरी मेथड नेक्स्ट है इन विच सैंपल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेटा एंड सैंपल इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्टेटा तो आपको बताना कि वो कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक है जहां पे जो पॉपुलेशन उसको हम अलग अलग स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं फिर हर ग्रुप से जो है हम डेटा कलेक्ट जो है सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं कोटा सैम्पलिंग स्नोफॉल सैंपलिंग स्टेटीफाइड सैंपलिंग है पर्पजी तो देखिए स्ट्रेटा वर्ड यूज हुआ है और कौन से ऑप्शन में स्टेट है स्टेटीफाइड ऑप्शन सी तो ऑप्शन सीज द कट ऑप्शन स्टेटीफाइड सैम्पलिंग स्टेटीफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो पॉपुलेशन होता है उसको अलग अलग होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर होमोजीनियस ग्रुप से हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेटिफाइड सैंपलिंग एक टाइप का रैंडम प्रोबेबिलिटी सैपलिंग का टेक्निक है नेक्स्ट है स्नोबॉल सैपलिंग क्या होता है तो देखिए स्नोबॉल सैपलिंग क्या होता है कि टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप लिस्ट ऑफ सैंपल ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन बाई यूजिंग इनिशियल सेट ऑफ मेबर एज इफॉर्मेट यानी कि स्नोबॉल क्या होता है आपने बर्फ का गोला देखा होगा तो उसको जब आप फेंकते हो तो उसमें से अलग अलग टुकड़े निकल के आ जाते हैं यानी एक रिस्पॉन्डर से दो के पास पहुंचते हो उन दोनों से आप बोलोगे कि आप किसी और का रेफरेंस दो तो वो वो तीसरे का रेफरेंस देते हैं फिर चौथे का रेफरेंस देते हैं

जब आप सैंपल ड्रॉ करते हो किसी स्टेटम से प्रोपोर्शन में यानी कि हर स्टेटम में स्टेटम यानी ग्रुप हर ग्रुप से आप सेम प्रोपोर्शन में डेटा सैंपल कलेक्ट कर रहे हो सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं तो देखिए सिंपल सा सीधा है कि सेम प्रोपोर्शन में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनेट स्टेटाइड सैंपलिंग हर स्टेटा से सेम प्रोपोर्शन में आप डेटा कलेक्ट करते हो इस प्रोपोशनल स्टेटिफाइड सैंपलिंग वहीं पर डिस प्रपोशनेट स्टेटिफाइड सैंपलिंग क्या होगा जब आप अलग अलग स्टेटा से सेम प्रोपोर्शन में डेटा नहीं कलेक्ट हो किसी से ज़्यादा सैंपल ले रहे हो किसी से कम सैंपल ले ले रहे हो तो उसको कहते हैं डिस प्रोपोशनेट कहते हैं सेलेक्टिंग सैंपल यूनिट इन जस्ट ए हिट एंड मिस फैशन इज कॉल्ड तो हिट एंड मिस यानी कि लगा लगा नहीं तो नहीं लगा कोई बात नहीं तो इस टाइप के जब आप सैंपल चूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ऑप्शन एक कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग यानी कि अपनी सुविधा के हिसाब से जब आप पाए तो मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला तो इस टाइप के सैंपलिंग को क्या कहते हैं एक्सीडेंटल नेक्स्ट है ऑफिस एडिटिंग एंड देश आर टू टाइप ऑफ एडिटिंग इन रिसर्च तो आपको बताना है कि रिसर्च में जो एडिटिंग होती है दो टाइप की होती है तो एक तो हो गया ऑफिस एडिटिंग दूसरा कौन सा होता है लैब एडिटिंग फील्ड एडिटिंग क्लासरूम एडिटिंग या फिर बुक एडिटिंग तो करेक्ट ऑप्शन क्या है फील्ड एडिटिंग एक तो ऑफिस में बैठ कर एडिट कर सकते हो या फिर आप फील्ड में जब वहाँ पर डेटा कलेक्ट करो वहीं पर एडिट कर सकते हो तो दो टाइप का रिसर्च एडिटिंग होता है देखिए नॉर्मली जब हम एनालिसिस करते हैं डेटा का तो हम उसको चार चीज़ें परफॉर्म करते हैं फोर इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले एडिटिंग करते हैं एडिटिंग यानी कि कोई भी एरर ओरर उसको हटाने की कोशिश करते हैं फिर उसको कोडिंग करते हैं देन क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में और फिर उसको टैबलेशन यानी टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं तो एडिटिंग कोडिंग क्लासीफिकेशन टेबुलेशन चार इंपॉर्टेंट है डेटा को प्रोसेस करने में नेक्स्ट है असाइनिंग न्यूमरल और अदर सिम्बल टू द कैटेगरीज और रिस्पॉस कॉल्ड यानी कि जब आप किसी कैटेगरी uh, को या किसी रिस्पॉन्स को नंबर या कोई दूसरा सिंबल जो है असाइन करते हो एलोकेट करते हो तो उसको क्या कहते हैं एडिटिंग

नेक्स्ट है ए रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पीजी ग्रेजुएट एंड टेन प्लस टू स्टूडेंट एंड यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच दिस इज टेक्निकली कॉल्ड तो क्या कर रहा है कि एक रिसर्चर है उसने सारे जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट और टेन प्लस टू स्टूडेंट्स में और फिर जो है रैंडमली जो है डिजिट टेबल से जो है वो सेलेक्ट कर ले रहा है सभी में से कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है स्टेटीफाइड स्टेटीफाइड रैंडम सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग या फिर नन ऑफ देश और देखिए पहली चीज तो क्या किया उसने पॉपुलेशन को स्टेट यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया फिर उसमें से जो है सैंपल्स uh, चूज कर लेता है ये क्या कहलाता है स्टेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाता है ठीक नेक्स्ट है ए रिसर्च डिवाइड हिज पॉपुलेशन इंटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड तो रिसर्चर क्या कर रहा है पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप में डिवाइड कर रहा है और फिर सभी ग्रुप में से एक फिक्स अमाउंट का सैंपल जो है वो चूज कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे स्टडीफाइड कोटा क्लस्टर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑव दाला है कोटा सैंपलिंग यानी कि उसने क्या किया ग्रुप डिवाइड कर लिया और फिर फिक्स कर दिया कि इस ग्रुप से दस लोग इस ग्रुप से बीस लोग इस ग्रुप से तीस लोग तो इसको क्या कहते हैं कोटा सैंपलिंग कहते हैं ये नेक्स्ट है ए रिसर्चर सेलेक्ट ओनली टेन मेंबर एज ए सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फाइव थाउजेंड एंड कंसीडर इट गुड बिकॉज यानी कि कोई रिसर्चर है वो पांच हजार में से खाली दस ही मेंबर उसने शोज किया है सैंपल के तरीके से और वो समझ रहा है कि ये गुड है क्यों उसको ऐसा क्यों लग रहा है बिकॉज ही वॉज ए गुड रिसर्चर क्योंकि वो अच्छा रिसर्चर है ही वॉज गाइडेड बाई हिज सुपरवाइजर उसके सुपरवाइजर ने उसको गाइड किया है द पॉपुलेशन ऑज होमोज पॉपुलेशन होमोजीनियस हो सकता है यानी कि पांच हजार में से सारे के सारे होमोजीस इसलिए उसने दस ही लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया है फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो नॉर्मली क्या होता है कि जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है तो हम सैंपल भी ले लें तो चलता है तो पांच हजार में से हमने सिर्फ दस ही मेंबर लिया इसलिए क्योंकि पांच हजार लोग जो है वो सबके सब क्या है होमोजीनियस ऑप्शन है। तो किया जाएगा ऑप्शन सी द तो पॉपुलेशन तो वॉज होमोजीनस इसीलिए रिसर्चर ने पांच जमा से सिर्फ ही लोग को चूज किया है विच इज जनरली फॉलोड वन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट जब पॉपुलेशन फाइनाइट होता है तो कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है एरिया सैप्लिंग टेक्निक पर्पजी सैंपलिंग टेक्निक सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देव यानी कि जब आपको पता है कि हाँ पॉपुलेशन इतना ही है नंबर आपको पता है तो उसमें उस केस में कौन सा यूज करते हैं तो उस केस में नॉर्मली हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं यानी कि इसमें सिस्टमेटिक सैंपल में क्या होता है कि पहला सैंपल जो है हम रैंडमली चूज कर ले

सेज़ दी कैट ऑप्शन नेक्स्ट है द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट इफ सैंपल ड्रॉन इज तो जो फाइनल रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा अगर सैंपल ड्रॉ किया होगा तो रैंडमली फिक्सड बाई कोटा रिप्रेजेंटेड टू द पॉपुलेशन या फिर ऑप्शन डी परपजिव तो सैंपल कैसा होगा कि जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा जब हम सैंपल को रैंडमली लिए होंगे जब हम सैंपल को फिक्स कोटा के थ्रू लिए होंगे या फिर सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का या फिर परपजिव पर पर सैंपल होगा तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए सैंपल नॉर्मली हम लेते क्या है कि सैंपल ऐसा होना चाहिए जो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे ठीक है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे एक्यूरेटली तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी एक्यूरेट होगा तो कैट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन सैंपल कैसे किया उससे मतलब नहीं है वो सेकेंडरी मेटेरियल

नेक्स्ट है एरिया यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज वैन तो एरिया या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक कब यूज़ करते हैं पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड लार्ज साइज ऑफ द सैंपल इज टू बी ड्रॉन जब पॉपुलेशन स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ था और लार्ज साइज ऑफ सैंपल जो हमें चूज़ करना है ऑप्शन बी पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो है हैट्रोजीनियस यानी कि होमोजनियस नहीं है अलग अलग लोग हैं उसमें पॉपुलेशन में या फिर ऑप्शन सी लॉन्ग सर्विस नीडेड लंबा समय तक जो है सर्वे uh, चलेगा या फिर ऑप्शन डी ए एंड सी तो एरिया यानी क्लस्टर सैंपलिंग हम कब यूज़ करते हैं जब हम पॉपुलेशन स्कैटर्ड हो बिखरा हो और लार्ज साइज ऑफ सैंपल चूज करें और लॉन्ग सर्वे रिक्वायर्ड होगी तो उस केस में हम कहते हैं एरिया क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं यानी कि हम एरिया वाइज चूज कर लेते हैं इस एरिया से डेटा कलेक्ट करें इस एरिया से डेटा कलेक्ट करेंगे नेक्स्ट है ऑल कॉजेज नॉन सैम्पलिंग एरर एक्सेप्ट यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर जो है नीचे दिखे ऑप्शन में से सभी नॉन सैंपलिंग एरर होते हैं लेकिन एक नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं है वो क्या है वो सैम्पलिंग एरर होता है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉल्टी टूल ऑफ मेजरमेंट इन एड्युक्ट सैम्पल नॉन रिस्पॉन्सिव डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन देखिए फॉल्टी टूल ऑफ मेजरमेंट इन एडूकुएट सैंपल नॉन रिस्पॉन्सिव क्या होते हैं ये जो है सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं लेकिन जो डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन होता है डेटा कलेक्शन के वक्त ही हमने डिफेक्ट कर दिया गलती कर दी तो वो सैम्पलिंग एरर कहलाता है तो ऑल कॉज नॉन सेम्पलिंग एरर एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा था कि कौन सा नॉन सेम्पलिंग एरर नहीं है तो डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन ये सैम्पलिंग एरर होता है नॉन सेम्पलिंग एरर नहीं होता है लेकिन फॉल्टी टूल ऑफ मैनेजमेंट इन एडिकुट इन इन नॉन रिस्पॉन्सिव क्या है ये नॉन सैम्पलिंग एरर है ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली वन कोई रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल हो गया यानी कि उस पर रिसर्च किया जा सकता है कब इट इज रिसर्चेबल जब वो रिसर्चेबल होता है इट इज़ न्यू एंड समथिंग टू नॉलेज ये नया होता है और कुछ नया नॉलेज ऐड करता है इट इज इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस उस रिसर्च प्रॉब्लम का यूटिलिटी है इसको यूज किया जा सकता है जो भी फाइंडिंग आएगा और रेलिवेंस होता है रेलवेंट होता है सचुएशन तो या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर ऑल ऑफ ही होगा क्यों क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल तभी होगा जब वो रिसर्चेबल होगा उसके रिसर्च किया जा सकता है वो कुछ नया नॉलेज देगा और उसकी यूटिलिटी भी उसका यूजफुलनेस भी होगा तो ऑप्शन

इनकम्पिटेंट होगा और डिसऑनेस्ट होगा यानी सही नहीं होगा द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दट ऑफ इट्स ऑकरेंस यानी कि जो कोई घटना घटी है उसके बहुत दिनों बाद उसके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हो द रिसर्चर हिम सेल्फ इज नॉट कंपिटेंट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन रिसर्चर खुद ही कंपिटेंट नहीं है कि वो लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बॉब तो वैलिडिटी और रिलेबिलिटी रिसर्च का खतरे में कब होगी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन तीनों ही तीनों ही केस में क्या है कि रिसर्च जो है ना वैलिड होगा ना रिलायबल होगा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब हो जाएगा अगर रिसर्चर डिसऑनेट है बायस्ड है इनकम्पिटेंट है ठीक है और लंबे समय का गैप पीरियड आ गया है तो उस केस में रिसर्च जो है वो वैलिड ना रिलायबल होगा ना वैलिड होगा नेक्स्ट इज सीइंग व वेरी बिग रैली इट वॉज रिपोर्टेड दैट जे डी विल विन द इलेक्शन द कंक्लूजन वॉज बेस्ड ऑन यानी कि किसी रिसर्चर ने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है किसी रैली में तो उसके बेसिस उसने ये डिसीजन दे दिया कि जे जो एक पार्टी है वो जीत जाएगी इलेक्शन तो इसको किस टाइप का सैंपलिंग कहेंगे रैंडम सैंपलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग फिर पर्पजिव सैंपलिंग देखिए क्लस्टर यानी एरिया तो यहां पे क्या किया हमने देखा कि इस एरिया में बहुत सारे इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे ज्यादा लोग हैं इस रैली में तो हमने क्या किया उसके बेसिस पर डिसीजन दे दिए कि ये जेडी सिलेक्शन जीत जाएगा तो ये क्या कहलाता कहला है क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है ए रिसर्चर वांट टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया कोई रिसर्चर है वो कांग्रेस का फ्यूचर इंडिया में जानना चाहता है तो फॉर द स्टडी विच टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिम तो उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट टूल होगा कांग्रेस की फ्यूचर क्या होगी इंडिया में इसको जानने के लिए कौन सा टूल ज्यादा बेटर होगा schedule, तो का क्या हो सकता है इंडिया में जाने के लिए इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन करेक्ट ऑप्शन के थ्रू जो है यहाँ पे जान सकते हैं कि कांग्रेस का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है बेस्ट टूल कौन सा होगा बिल्लोग्रफिक गिवेन इन रिसर्च रिपोर्ट तो जो बिब्लियोग्राफी रिसोर्स रिपोर्ट में दी होती है वो क्या करती है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक या फिर ऑप्शन सी बोथ है एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वैब तो जो बिब्लियोग्राफी होती है बट ऑफ बात है वो हेल्प करती है दूसरे लोगों को रिसर्च करने में और प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से दूसरे एंगल से पढ़ने में वहीं पर रिसर्च जो आपने किया है वो ऑथेंटिक है इसके लिए भी हम जो है बिबलोग्राफी में जो है अलग अलग रेफरेंसेस देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों में ही रिसर्च बिबोग्राफी जो है हेल्प करता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट सेंटेंस ए हाइपोथेसिस इज तो हाइपोथेसिस क्या होता है ए स्टेटमेंट विच सर्स एज द बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करता है द मेथोडिकल इवाल्यूशन ऑफ रिसर्च एविडेंस रिसर्च एविडेंस का जो है मेथोडिकल इवाल्यूशन होता है या ए स्टेटमेंट ऑफ द एम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का क्या एम है उसका स्टेटमेंट होता है या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ ये सारे के सारे होते हैं तो देखिए हाइपोथिस क्या होता है हाइपोथिस यानी कि एजमशन एक स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या कर हो जाएगा हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट विच सर्व एज द बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिसर्च मेथोडोलॉजी से विश ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू